कदरे मोहतरम मेहमान खुसूसी असातिज़ा हज़रात और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी हमारी स्कूल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे अहम दिन होते हैं जिसके पेश नजर कौम इसको याद रखती है। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का दिन नहायत अहम है, क्योंकि इसी तारीख को तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 का दिन नहायत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन की खुशी कौमी त्योहार की है। आज हम यहाँ यौम आजादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। हिंदुस्तान की लड़ाई में मौलाना आजाद, अशफाकुल्ला खान, पंडित नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे वतन के रहनुमाओं ने हर किस्म की कुर्बानियां दी। हिंदुस्तान की लड़ाई इज्तिमाई लड़ाई थी। आज हमें आजादी मिलने के लिए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन हम आजादी का जश्न इतना मनाते हैं कि हमें आज आजादी मिली हो। खुशी का ये आलम होता है कि हर बच्चा कौम का ताना गुनगुनाता है। छोटे बड़े सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और मैं उस परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हिंदुस्तानियों को चैन सुकून अमन राहत अता फरमाए, आमीन। और मैं अपनी तकरीर को इस शेर पर खत्म करता हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यह है कि हम हिंदुस्तानी है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आइए इस तकरीर के बाद